हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट? टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाई वी नीड टू कंबाइन द कैपेसिटर्स। क्यों कैपेसिटर्स को हम कंबाइन करते हैं, जानना जरूरी है। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास कैपेसिटर्स तो कई होते हैं, बट सर्किट में कितने माइक्रोफेरेड या फिर ये कहा जाए कि कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाना है वो अमाउंट नहीं होता है। कैपेसिटर्स तो होंगे, आपके पास कई सारे कैपेसिटर्स हो सकते हैं, लेकिन सर्किट में जिस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर आपको यूज करना है, हो सकता है कि वो अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस आपके पास वाला कैपेसिटर ना हो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, वी नीड टू कंबाइन द कैपेसिटर्स। तो बच्चों, जो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज द सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड इज द पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज मिक्स्ड, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स वाला तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं भाई, मिक्स वाले में क्या रहेगा? तो मिक्स्ड वाले में सीरीज भी कॉम्बिनेशन रहेगा और साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी रहेगा। सो लास्ट वन इज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस, यू मस्ट नो अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, सबसे पहले आप इसको देखिए। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट द मीनिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इन केस ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन बाय वन इन अ रो। अगर एक लगातार, जैसे हमने क्या कर दिया, ये फर्स्ट कैपेसिटर ले लिया जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसी में आगे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया एक सेकेंड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है, फिर हमने आगे क्या ऐड कर दिया, थर्ड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C3 है। सो इफ वी आर एडिंग दीज कैपेसिटर्स इन अ रो वन बाय वन, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, सबसे पहले ही मैंने बोला था कि अगर हम कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट होगा कि हमें इतने माइक्रोफेरेड का या फिर इतने फेरेड का हमें कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए। सो व्हाइल वी आर एडिंग दीज कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये हमें जानना होगा कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा रहे हैं तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा। सो मैंने ये तो बता दिया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन बाय वन इन अ रो, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इक्विवेलेंट का मतलब समझिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना होगा, इट इज नोन एज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड विद द सेम वन, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड नाउ द टॉपिक इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मीन्स व्हाट, टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए हम फॉर्मूला यहां डिराइव करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सिंप्लिसिटी के लिए, इजी करने के लिए, वी जस्ट टेक द टू कैपेसिटर्स, दो ही लेते हैं उसी से सॉल्व करते हैं। सो इफ दीज टू कैपेसिटर्स विच कैपेसिटेंस इज इंडिकेटेड बाय द C1 एंड C2
are connected in series. So when these capacitors will be functional, these two will be functional when they will be provided with some potential. हमने क्या कर दिया, इस सर्किट को पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया. अगर हम सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी. तो जब चार्जिंग ही नहीं होगा, चार्ज को स्टोर ही नहीं कर रहा है, तो कोई मतलब तो है नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कनेक्ट दीज टू कैपेसिटर्स विद द सेल और द बैटरी एंड द टोटल पोटेंशियल दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू दीज टू कैपेसिटर इट इज वी. हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया. तो बच्चों यहां से चार्ज निकलेगा और चार्ज इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा. थोड़ा यही आपको समझना है. देखिए मैंने इसमें इतना इजी वे में एक बात ऐड किया है, आप देखेंगे अभी कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप इसे समझ देंगे. तो फिर से थोड़ा सा मैं इसे स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा फिगर समझाने में ईजी रहेगा. सो टोटल पोटेंशियल तो मैंने वी कहा. अब चार्जिंग जब होगा तो चार्ज जो यहाँ से निकलेगा वो है क्यू. तो देखिए रास्ता तो एक ही है, ओनली वन ट्रैक इज देयर. तो इसमें भी चार्ज जाएगा क्यू और इसमें भी चार्ज जाएगा क्यू. कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. कई बार क्या होता है कि आपको दिखने में तो लगेगा सीरीज लेकिन रहेगा पैरेलल, और कई बार आपको दिखने में पैरेलल लगेगा लेकिन रहेगा क्या सीरीज. तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे. क्या बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ट्रैक एक ही है, तो दोनों कैपेसिटर्स में जो टू कैपेसिटर्स है इनमें जो चार्ज फ्लो करेगा, जो चार्जिंग होगा, वो अमाउंट क्या होगा, सेम होगा. तरीका दिमाग में बैठा सकते हैं कि रास्ता एक ही है तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा. अब पोटेंशियल की बात करते हैं. तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, क्यू इज इक्वल टू द सी वी. सो वी इज इक्वल टू द क्यू बाई सी. सी हियर चार्ज तो दोनों में सेम है, बट व्हाट डू थिंक अबाउट द पोटेंशियल, क्यू डिवाइडेड बाय सी. सो फॉर दिस कैपेसिटर इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाय सी वन. पोटेंशियल अक्रॉस दिस सी वन विल बी क्यू डिवाइडेड बाय सी वन एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस सी टू विल बी क्यू डिवाइडेड बाय सी टू. तो आप देख रहे हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी सेम बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. पॉइंट पकड़िए, चार्ज की वैल्यू सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल क्या रहता, अलग अलग रहता है. अब हम यहां यह बोलने जा रहे हैं कि यह पोटेंशियल जो रहेगा अलग अलग में क्या है, तो कहते हैं कुछ इसको मिल जाएगा, कुछ इसको मिल जाएगा, और टोटल कितना रहेगा, तो टोटल रहेगा वी. लिसन अगेन, व्हाट आई एम सेइंग, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इन ऑल द कैपेसिटर्स रिमेन सेम बट पोटेंशियल गेट डिस्ट्रीब्यूट बट जाता है. दोनों बढ़ गया. पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें और इसमें बढ़ गया है, यही कॉन्सेप्ट है. इसे आप दिमाग बैठाएंगे और इसी पर मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा. देखिए अब हमने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सेम रहता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो अगर हम इस पूरे का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब इसका हम टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसको हम इंडिकेट करने जा रहे हैं सी से. लिसन अगेन व्हाट आई एम सेइंग, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज नाउ टेकन एज द सी. सी इज द टोटल कैपेसिटेंस. तो अगर इन दोनों के इक्वल ये है तो इन दोनों के स्पेस दोनों की जगह पे हमने क्या कर दिया, सी बना दिया. और फिर से वही सेल या फिर कहिए वही बैटरी है जिसका वही पुराना वाला पोटेंशियल है और वही चार्ज यहां से निकल रहा है, इसकी वैल्यू क्यू है और वही चार्ज जाकर के इसमें स्टोर हो रहा है. फिर से देखिए, इस पूरे कॉम्बिनेशन का हमने कैपेसिटेंस एज्यूम कर लिया है सी, ये सी हो गया. तो इन दोनों के जगह पर हमने इसको बना दिया है और यहाँ पर वही पोटेंशियल है, यहाँ पर वही पोटेंशियल है और वही चार्ज है जो कि इसमें जा कर के स्टोर हो रहा है.
तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे एक बार फिर से मैं पूछ लूँ, व्हाट इज सी? सी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ईवीसी आप नहीं लिखेंगे, ईवीसी केवल ऐसे ही मैंने इंडिकेट कर दिया शॉर्टकट में। तो देखिए डेरिवेशन कैसे करेंगे। हमने कहा पोटेंशियल बट जाता है, सो V इज इक्वल टू द V1 प्लस V2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टोटल पोटेंशियल V था जो टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, थ्री कैपेसिटर्स रहता तो थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम V1, V2 और V2 केवल पुट करेंगे। सो फ्रॉम द सेकेंड फिगर आई एम इंडिकेटिंग दिस वन एज द फर्स्ट फिगर एंड दिस वन एज द सेकेंड फिगर। सो आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम फिगर सेकेंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप पढ़े हुए हैं क्यू इज इक्वल टू द सी वी, सो वी इज इक्वल टू द क्यू बाई सी इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें वी की वैल्यू लिखना था, तो V की वैल्यू लिखने के लिए हमने सेकेंड फिगर का यूज कर लिया। सेकेंड फिगर में क्या था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, टोटल पोटेंशियल V है, तो हमने लिख दिया V इज इक्वल टू द Q बाई सी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं एंड फ्रॉम फिगर फर्स्ट। देखिए तो कुछ देर पहले मैंने यहां लिखा था Q इज इक्वल टू द सी वी, सो V इज इक्वल टू द Q बाई सी, इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने यहां लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर हमको V1 की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू द Q बाई C1। हम यहां लिखेंगे V1 इज इक्वल टू द Q बाई C1, हियर इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद लिखेंगे एंड V2 इज इक्वल टू द, देखिए यहां से so what will be the value of V2? V2 is equal to the Q by C2, यहाँ पर C2 हो जाएगा। So here's the equation number 4. Now you can see here that we have the value of V, value of V1 and the value of V2. So if we are putting these three values in this equation, so what will be here? So I'm writing putting the value of equation second, third and fourth in equation first में value put कर देते हैं। So what about the value of V? It is Q by C, तो put कर दिया हमने Q by C is equal to the, now the value of V1 Q by C1 and the value of V2 Q by C2, तो put कर दिया यहाँ पे Q by C1 plus Q divided by C2, so this Q will get cancelled and finally we are getting that 1 upon C is equal to the 1 upon C1 plus 1 upon C2. So in this way we get the equation that is in the form of equivalent capacitance, and the capacitance of both of these two capacitors connected in series combination. हमने यहाँ पर एक रिलेशन बना लिया है। किस चीज़ का रिलेशन बनाया है कि अगर कैपेसिटर्स हमारा सीरीज में कनेक्टेड होगा तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा अगर वो सी है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, सो 1 upon C इज इक्वल टू द 1 upon C1 प्लस 1 upon C2, एंड इफ सम मोर कैपेसिटर्स आर देयर देन 1 upon C इज इक्वल टू द 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3, वॉट एवर बी द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखिए जैसे यहीं से हमको C का इक्वेशन डेवलप करना होता तो हम कैसे कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखते हैं 1 upon C इज इक्वल टू द LCM लेते हैं C1 into C2, LCM ऑफ C1 C2, सो हियर विल बी द C2 प्लस C1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। एंड वॉट अबाउट द सी, सो सी इज इक्वल टू द C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो आपने C2 प्लस C1 लिखा था, तो ये भी तो है कि 10 rupees में अगर 20 rupees ऐड करेंगे तो 30 आएगा। 20 प्लस 10 कहिए, चाहे आप पर आप कहिए 10 प्लस 20, सो फॉर बोथ द
calculation for both the sums, answer will be same. So, we can write this also C2 plus C1 as the C1 plus C2. So, in this way you can calculate the equivalent capacitance of the combination, या फिर ये कहें कि total capacitance कितना आएगा, इस बात को हम लोग यहाँ पर calculate कर सकते हैं. या फिर हम ये कहें कि total capacitance combination का कितना आएगा, इस बात को हम लोग calculate कर सकते हैं. So, it was the topic that is equivalent capacitance in series combination. बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं about the parallel combination. So, see here what the meaning of parallel combination. So, in case of parallel combination, capacitors remains connected parallelly with each other. Parallelly connected रहेंगे. तो देखिए parallel का मतलब क्या होता है उसको देख लेते हैं. Parallel तो आप जानते ही हैं. So, what about the parallel combination? I am writing here parallel combination. Second one was the parallel combination. तो ये capacitor हो गया ऐसे, इसको C1 लिख देते हैं. And now the other capacitor इसको C2 लिख देते हैं. So, how can we connect them parallelly? तो ऐसे parallelly connect कर देते हैं इस तरह से, ऐसे एक दूसरे से जोड़ देते हैं इस तरह से. और यहां से हम क्या कर देंगे, इफ वी आर प्रोवाइडिंग सम पोटेंशियल बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल दैट मे बी द सेल और बैटरी, सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल का मतलब ऐसे 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 ऐसे, फिर से ऐसे 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 ऐसे. सो इफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन दिस वे parallelly with each other, then this type of combination is known as the parallel combination. इसे में चाहें तो one more connect कर सकते हैं, C1, C2 and there will be the C3. ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम C3 भी लिख सकते हैं. तो ये तो हो गया parallel combination. फिर वही बात कि अगर हम parallel combination करते हैं तो हमारा purpose होता है कि हमें कोई required amount of capacitance जा रहा होता है. Either we are connecting capacitors in series combination or in parallel combination or in the mixed combination. Definitely there will be some requirement that will be the total capacitance of the combination. So moving towards our next topic, and what about the topic equivalent, or we can say the total capacitance in parallel combination. So see here about the next one, equivalent. Equivalent capacitance in parallel combination. Shortcut लिख दिया, P and C indicating to the parallel combination. तो चलिए देखते हैं. I am just taking the two capacitors. ऐसे हमने C1 और इधर में ले लिया C2. And these two capacitors are connected parallelly with each other. So, when these two capacitors will be functional, only when they are provided with some potential. देखिए ऐसे potential को हमने provide करने के लिए cell लगा दिया. And the total potential provided to these two capacitors is the V. अब ध्यान से समझिएगा, यही समझना है concept. दिखने में तो जो है ही, लेकिन इसका जो concept होता है, जो मैंने पहले series में बताया था, वो क्या था? In series combination, charge remains same in all the capacitors and potential get distributed. Now see about this one. So if Q is the charge which is drawn from the cell, cell से Q charge निकला है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो charge आया है वो Q है. But from here there are two tracks. So this charge will get distributed into the two parts. दो part में से divide हो जाएगा. अलग अलग कैपेसिटेंस है तो अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करेगा, इसमें मूव कर जाएगा. तो अब आप इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत तो हो नहीं रहा, आप समझ चुके हैं कि सीरीज में तो एक ही रास्ता था तो चार्ज सेम गया था. बट दिस टाइम देयर टू ट्रैक्स और मोर देन टू ट्रैक्स वुड बी देयर. सो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूट.
देख लीजिए इस बार क्या होता है कि जो हमारा चार्ज है वो क्या कर जाता है, बट जाता है, बट गया है। बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेकिन पोटेंशियल बटता नहीं है, बल्कि ये क्या रहता है, सेम रहता है। अब समझाते हैं आपको कि पोटेंशियल कैसे सेम रहता है। चार्ज को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई, दो रास्ते थे बट गए। बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल, तो अगर हमने यहां पर वी लिखा है दिस वी, तो आपको केवल यही समझना, यहीं से क्लियर हो जाएगा। दिस वी इज इंडिकेटिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल और द बैटरी, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगर ये वी है इस वाले प्लेट का, अगर पोटेंशियल वी है तो इस वाले प्लेट का पोटेंशियल होगा जीरो, एंड देन ओनली देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, दैट इज वी माइनस जीरो। डिफरेंस वी माइनस जीरो इज इक्वल टू द वी, दिस वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने यहां पर लिख दिया 2v, एट दिस प्लेस इफ आई एम राइटिंग द 2v, सो डेफिनेटली देयर विल बी द v, व्हाई, बिकॉज़ 2v माइनस v इज इक्वल टू द v। कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये जो v है ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो अगर यहां पर पोटेंशियल है v, तो देखिए एक बात जानिए कि पोटेंशियल रुकावट को पार नहीं कर पाता है। ये मेरा एक तरीका है समझाने का आपको कि जो पोटेंशियल रहता है ना, जैसे देखिए यहाँ पर है ये V है, तो अगर ये V है, इसका पोटेंशियल V है, तो इसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो ये V यहाँ से चल करके, इस V की वैल्यू, ये V है ये यहाँ से चल करके यहाँ भी रहेगा वही V, यहाँ भी वही V रहेगा, यहाँ भी वही V रहेगा, यहाँ भी वही V रहेगा, यहाँ तक तो V रहेगा, इधर भी वही वी रहेगा, लेकिन उधर नहीं जा पाएगा। चार्ज क्रॉस कर जाता है, चार्ज क्रॉस कर जाता है, रुकावट को पार कर जाएगा, बट पोटेंशियल कैन नॉट क्रॉस द ऑब्स्ट्रक्शन। ये मेरा तरीका है आपको समझाने का। तो हमने क्या समझा, ये वी है, ये यहां से यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, तो यहीं पर हम लिख देते हैं वी। इसका मतलब इधर भी वी है और इधर भी वी है। अब इस जीरो के बारे में बात करते हैं, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, अगर हमने यहाँ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम किया है, वाई, जस्ट टू इंडिकेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, तो ये जीरो यहाँ से हर जगह, इस पे जीरो रहेगा, इस पे जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, इधर में भी जीरो मिला और इधर में भी जीरो मिला, तो यहाँ पर क्या मिल गया, इधर मिल गया जीरो। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यही टर्म पकड़िए, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होता है, तो इस साइड का पोटेंशियल आ रहा है V और इस प्लेट का पोटेंशियल आ रहा है जीरो। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी वन, इट इज V। अब इधर देखिए इस साइड का पोटेंशियल आ रहा है V और इस साइड का पोटेंशियल आ रहा है जीरो। सो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी टू इज द वी। समझ लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बच्चों अगर आपके दिमाग में कभी भी कन्फ्यूजन आए इस बात को याद करने के लिए, बच्चों अगर आपके दिमाग में कभी भी कन्फ्यूजन आए इस बात को याद करने के लिए, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही चार्ज को बढ़ता हुआ देखिए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूट बट पोटेंशियल रिमेन सेम। लेकिन अच्छा है कि आप इसे समझ लीजिए अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक वी, ये जीरो यहाँ तक, इसको मिला पोटेंशियल डिफरेंस वी और इसको भी मिला पोटेंशियल डिफरेंस वी। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम रहता है बट चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि इन दोनों के बराबर, इक्वल, अकेला है। सो दिस सी इज नाउ इंडिकेटिंग टू द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, अदर टर्म टोटल कैपेसिटेंस।
फिर हमने क्या कर दिया, इसको उसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। तो अगर उतने ही पोटेंशियल से कनेक्ट है और उतना ही चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि जो इसका टोटल कैपेसिटेंस था वही कैपेसिटेंस इसका है। समझिए इस बात को, कैसे? Q इज इक्वल टू द सी वी, सो सी इज इक्वल टू द Q बाय वी। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें Q बाय वी, वही Q बाय वी, तो ये वाला कैपेसिटेंस और ये कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस आपस में क्या है, सेम है। मैंने कहा भी है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ द सी वन एंड सी टू? तो बच्चों पिछले केस में आपने देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सॉरी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और इस बार कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम फिगर फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह देते हैं और इसको सेकेंड कह देते हैं। सो Q डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द Q1 एंड Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें चाहिए Q की वैल्यू, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू, जैसे उधर में भी V1 V2 चाह रहा था। तो लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम फिगर सेकेंड। सो व्हाट विल बी हियर, Q इज इक्वल टू द सी वी। सी हियर फ्रॉम दिस फिगर, Q इज इक्वल टू सी वी, जनरल फॉर्मूला। सो हियर्स द इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड फॉर वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 फ्रॉम फिगर फर्स्ट, फर्स्ट से देखते हैं। तो यहां का पोटेंशियल V और इसका भी पोटेंशियल V है। सो व्हाट विल बी द Q1, Q1 फॉर दिस कैपेसिटर। सो Q1 इज इक्वल टू द C1, और पोटेंशियल तो मिला है V, इसका देखें। इसमें चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू द C1, और जो पोटेंशियल मिला है वो भी। सो हियर्स द इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड Q2 इज इक्वल टू द C2 इनटू V। फिर से देखिए, इसमें जो चार्ज की वैल्यू आएगा, तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू द CV। व्हाट अबाउट द C, C इज द C2, एंड व्हाट अबाउट द V, पोटेंशियल इज सेम, इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड। सो Q2 इज इक्वल टू द C2 इनटू V। बच्चों जैसा कि पिछले केस में किया था वैसा इस बार भी करना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए Q की वैल्यू CV लिख देते हैं, CV, Q1 की वैल्यू C1 into V, Q2 की वैल्यू C2 into V, so here will be the C1V plus C2V, तो यहाँ आ गया CV और यहाँ V common हो गया, यहाँ आ गया C1 plus C2, so this V and V will get cancelled and finally we are getting the formula C is equal to the C1 plus C2, and what about the C? तो हमने पहले ही बताया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या रहा है, ऊपर नीचे वाले में सीधे आ रहा है। मेरी बात को पकड़िए, मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर नीचे वाले में, ऊपर नीचे वाले में उल्टा फॉर्मूला सीधे आ रहा है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन formula of equivalent capacitance or the total capacitance, it is C is equal to the C1 plus C2 plus C3 plus C4, whatever be the number of capacitors. And in case of series combination, जो सीधा है उसमें ऊपर नीचे आ रहा है, देखिए क्या रहा है, 1 upon C is equal to the 1 upon C1 plus 1 upon C2.
आप दिमाग में बैठा सकते हैं इसको कि कैपेसिटर के केस में जो सीधा रहता है वो ऊपर नीचे, और जो ऊपर नीचे रहता है उसका फॉर्मूला सीधा आता है. सो दिस वॉज अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल बढ़ता है. पैरेलल में चार्ज बढ़ता है, पोटेंशियल सेम रहता है. एक बढ़ता है तो दूसरा क्या रहता है, सेम रहता है. सीरीज का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया. अब आप कहेंगे कि सर आप हमें बताइए कि मिक्स्ड वाला क्या रहता है. तो मिक्स्ड क्या है, इफ सर्किट इज कंटेनिंग सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन देन दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. और टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो भाई सीरीज भी यूज करेंगे, फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे और फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यूज करेंगे. और सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो बच्चों ये था अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. आप इसको तैयार कर लेंगे. इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो डिस्कस करूंगा सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, डेट इज फॉर्मूला ऑफ सीरीज पैरेलल एंड विल ऑल्सो यूज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. तो आप इसे तैयार कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए. मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.